हाय गाइस, दिस इज कॉन्ट्रा बॉय लाइक द वे यू लव मी। गाइस, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशली कुछ लोग हैं जो कि मुझे डीएम किए थे और उनके सारे सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सवाल ये है, विवेक भाई ने पूछा है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो। वाह, नाइस क्वेश्चन भाई। दिवे इसकी आंसर तो आई होप कि सबको पता होगा गाइस, है ना। इन शॉर्ट, इफ आई विल आंसर इट देन आई विल ओनली से दैट इट्स आंसर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, आई मीन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर गोना डू, then you will be get demotivated very soon. Am I right guys? Let's proceed to the next question guys. So next question is from Samir Bhai. Samir Bhai ने पूछा है, कोई भी बिजनेस चाहे छोटी हो या बड़ी शुरू कैसे करें। Guys, really it's a tough question. चलो guys, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, before gonna start any business you must determine about that business what you want to do exactly. If once you determined about your business or your passion, then definitely you will achieve the business. Don't think much more about the business, just start it, otherwise you will getting confused. Okay, so the next question from Sonali ji पूछे हैं कि उन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक करने का कोई ट्रिक बता दीजिए प्लीज़। पहले तो सोनल जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देयर इज़ नो ट्रिक टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। आप मेहनत करो और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, है ना। डेफिनेटली वी विल क्रैक द एग्ज़ाम। और इंसर्ट अगर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि कंसिस्टेंसी एक वर्ड है जो कि संगति बोलते हैं, है ना, और इसको आप मेंटेन करो। इफ देयर इज कंसिस्टेंसी देन देयर इज प्रोग्रेस, एंड इफ देयर इज प्रोग्रेस देयर मस्ट बी सक्सेस। ओके गाइस, सो आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Have a good day.